आज के हमारे पाठ का विषय है संगणनात्मक भाषा विज्ञान और भाषा संसाधन। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप संगणनात्मक भाषा विज्ञान की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, इसके विविध विषयों को समझ सकेंगे, प्राकृतिक भाषा संसाधन का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों के बारे में जान सकेंगे। संगणक का विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ। इसी समय संगणक में मानव भाषा संबंधी नियमों के अनुप्रयोग और भाषा संबंधी कार्यों को मशीन द्वारा संपन्न कराए जाने के संदर्भ में कुछ पश्चिमी विद्वानों द्वारा काम आरंभ किया गया। मूल रूप से यह काम मशीनी अनुवाद से जुड़ा था, किंतु बाद में अनुप्रयोग क्षेत्रों का विस्तार हुआ और धीरे धीरे संगणनात्मक भाषा विज्ञान का उदय हुआ। मानव भाषा को मशीन में स्थापित करने का कार्य भाषा संसाधन है। संगणनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत यही कार्य किया जाता है। भाषा संसाधन संबंधी अनुप्रयोग क्षेत्रों की बढ़ती मांग के कारण आज संगणनात्मक भाषा विज्ञान असीम संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है। संगणनात्मक भाषा विज्ञान को संगणकीय भाषा विज्ञान या संगणक भाषा विज्ञान भी कहा गया है। इसमें एक ओर भाषा विज्ञान है और दूसरी ओर संगणक विज्ञान है। भाषा विज्ञान में मानव भाषाओं का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है तथा नियमों की खोज और स्थापना की जाती है। संगणक विज्ञान का केंद्र संगणक यानी कंप्यूटर है। संगणनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा वैज्ञानिक इकाइयों और नियमों को संगणक में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इस कारण संगणनात्मक भाषा विज्ञान में पूरे संगणकीय विज्ञान को जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उतना ही संगणक के बारे में जानना है जितने से कि हम भाषा संबंधी कार्यों को कर सकें। आप जानते हैं कि मशीन की अपनी भाषा होती है जिसे द्विआधारी भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इसे समझना और याद रखना हम लोगों के लिए यानी मनुष्य के लिए असंभव जैसा कार्य है। यह बहुत कठिन होता है, इसलिए हम बीच की भाषा यानी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में भाषिक नियमों का प्रयोग करने के लिए उन्हें तार्किक रूप यानी लॉजिकल फॉर्म में ढालने की आवश्यकता पड़ती है। मानव भाषा को मशीन में इस प्रकार से स्थापित करना कि मशीन द्वारा भाषा संबंधी कार्य कराए जा सकें भाषा संसाधन है। संगणनात्मक भाषा विज्ञान का यही लक्ष्य है और यही कार्य है। इसे एक आरेख द्वारा हम इस प्रकार से देखेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि संगणनात्मक भाषा विज्ञान दो क्षेत्रों से मिलके बना है। एक तरफ है संगणक विज्ञान और दूसरी तरफ है भाषा विज्ञान। संगणक विज्ञान में अध्ययन की इकाई है संगणक और भाषा विज्ञान में अध्ययन की इकाई है भाषा। संगणक द्वारा मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान में मानव भाषा के भाषिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद इन्हें तार्किक रूप में ढालते हैं और फिर भाषा संसाधन संबंधी कार्य प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से किया जाता है, जिसे मशीनी भाषा में बदलते हैं और मशीन यानी संगणक उसे समझने लगता है। अतः संगणनात्मक भाषा विज्ञान एक ऐसा ज्ञान क्षेत्र है जिसके द्वारा मानव भाषाओं के ज्ञान को मशीन में संसाधित किया जाता है। इस कारण यह भाषा विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त क्षेत्र है। इसमें भाषा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान का संगणक में अनुप्रयोग किया जाता है। इसके लिए भाषा के सभी स्तरों स्वन स्वनिम रूपिम शब्द पदबंध वाक्य और प्रोक्ति संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। संगणनात्मक भाषा विज्ञान की मूल विषय वस्तु प्राकृतिक भाषा संसाधन NLP है। इसे संक्षेप में भाषा संसाधन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है
कि भाषा का मूल अर्थ मानव भाषा ही है और इसे ही संगणक वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक भाषा कहा गया है। इसलिए प्राकृतिक भाषा संसाधन और भाषा संसाधन दो चीज़ें न होकर के एक ही हैं। प्राकृतिक भाषा संसाधन मानव भाषाओं के ज्ञान को मशीन में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपक्रमों का समेकित नाम है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक भाषाओं से संबंधित सॉफ्टवेयरों और अनुप्रयोग प्रणालियों के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया आ जाती है। इसमें एक तरफ प्राकृतिक यानी मानव भाषाओं के अध्ययन का पक्ष है तो दूसरी तरफ उनके मशीन में अनुप्रयोग यानी संसाधन का। एक क्षेत्र के रूप में प्राकृतिक भाषा संसाधन को परिभाषित करते हुए सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक भाषा संसाधन वह क्षेत्र है जिसमें मशीन यानी कंप्यूटर और मानव भाषाओं के बीच अंतःसंबंध स्थापित किया जाता है। अपने व्यापक स्वरूप में प्राकृतिक भाषा संसाधन वह प्रक्रिया है जो किसी मशीन यानी कंप्यूटर को प्राकृतिक भाषा को समझने, विश्लेषण करने, क्रियान्वित करने और प्रजनन करने में सक्षम बनाती है। यदि मशीन या संगणक में एक बार भाषिक ज्ञान को स्थापित कर दिया जाए तो प्रयोगकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की अनुप्रयोग प्रणालियों का विकास या उपयोग कर सकता है। प्राकृतिक भाषा संसाधन का एक दूसरा पक्ष प्राकृतिक भाषा बोधन यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग NLU भी है। विकिपीडिया में प्राकृतिक भाषा बोधन के संबंध में कहा गया है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज ए सब टॉपिक ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट डील्स विथ मशीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अर्थात यह एक प्रकार से प्राकृतिक भाषा संसाधन का एक उपभेद है जो मशीनी अधिगम से संबंधित है। प्राकृतिक भाषा संसाधन मूलतः मानव भाषाओं को समझने या उनसे संबंधित कार्यों को संपादित करने में मशीन की दक्षता से संबंधित कार्य है। इसमें यह देखा जाता है कि संबंधित भाषा के कार्यों को स्वचालित रूप से संपादित करने में मशीन कितनी सक्षम हो सकी है। व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि जो कार्य एक तरफ संगणनात्मक भाषा वैज्ञानिक या प्रोग्रामर की दृष्टि से प्राकृतिक भाषा संसाधन है, उसका अगला चरण प्राकृतिक भाषा बोधन है। इसका तात्पर्य यह है कि हम मशीन में जितने प्रकार की संरचनाओं के नियम स्थापित कर देते हैं, मशीन उतने प्रकार की भाषिक अभिव्यक्तियों का बोधन और विश्लेषण करने में सक्षम हो जाती है। मानव व्यवहार में भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, वाचिक और लिखित। इस दृष्टि से संगणनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा संसाधन संबंधी कार्य दो रूपों में किया जाता है, वाक संसाधन और पाठ संसाधन। इन दोनों को संक्षेप में इस तरह से हम समझेंगे। वाक संसाधन से तात्पर्य भाषा के वाचिक रूप यानी बोले गए रूप के संसाधन से है। भले ही पहले वाचिक सामग्री को संग्रहित करना संभव नहीं था, किंतु आज तकनीकी जगत इस स्तर तक उन्नति कर चुका है कि न केवल वाचिक सामग्री को आप संग्रहित कर सकते हैं बल्कि इसे विश्लेषित और संसाधित भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से वाक के क्षेत्र में संगणनात्मक भाषा विज्ञान में तीन प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। पहला है वाक अभिज्ञान। इसका संबंध किसी वाचिक सामग्री को एक बार रिकॉर्ड तथा संग्रहित करके पुनः उसका प्रयोग उसी प्रकार की ध्वनियों या वाचिक सामग्री से बार बार मिलान करने से है। उदाहरण के लिए एक मशीनी प्रणाली, जैसे आपके पास लैपटॉप होता है, आपके पास मोबाइल होता है, तो इसमें किसी की आवाज़ का पासवर्ड आप डाल दीजिए और फिर उसे मशीन संग्रहित कर लेती है। फिर अगर उस मोबाइल को या लैपटॉप को आपको फिर से खोलना हो तो आप उसी आवाज़ में उसी तरह से बोलेंगे और मशीन उसका मिलान करेगी और तब जाके मशीन शुरू हो पाएगी। दूसरा है वाक विश्लेषण। जब इनपुट के रूप में
कोई वाचिक सामग्री मिलती है तो उसमें वाक्य, शब्द और अक्षर आदि को प्राप्त करना वाक विश्लेषण है। इसका उपयोग वाक से पाठ में किया जाता है, जहां इनपुट वाक को पाठ में बदलने का कार्य मशीन करती है। तीसरा है वाक संश्लेषण। इसका संबंध छोटी छोटी वाक इकाइयों या वाक खंडों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाने से है। इसका उपयोग पाठ से वाक TTS में किया जाता है। वाक संसाधन प्राकृतिक भाषा संसाधन का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि वाचिक भाषा के रूप में ध्वनि तरंगों का संचय किया जाता है। ध्वनि तरंगों में बहुत कम सूचनाएं प्राप्त करने योग्य होती हैं। इसके अलावा इनके खंडीकरण के आधार भी बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है। यह आवाज़ व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक स्थिति आदि के आधार पर भिन्न हो जाती है। इस कारण ध्वनि विश्लेषण अत्यंत कठिन कार्य है। पाठ संसाधन का संबंध लिखित सामग्री को मशीन के माध्यम से संसाधित करने से है। लिखित भाषा लिपि चिन्हों पर आधारित होती है, इस कारण इस सामग्री का विश्लेषण और संश्लेषण वाचिक रूप की तुलना में अधिक सरल होता है। इसमें लेखन की इकाइयां, वर्ण, शब्द, पदबंध, वाक्य आदि स्पष्ट होती हैं। इस कारण इनके नियम अलग प्रकृति के होते हैं। पाठ संसाधन मुख्यतः लिपि चिन्ह आधारित संसाधन है, अतः इसके प्रतिमान और कारक भिन्न होते हैं। सैद्धांतिक रूप से भी भाषा वैज्ञानिक चिंतन भले ही अपने आप को वाचिक भाषा पर केंद्रित बताता हो, किंतु यह लिखित रूप की भी उपेक्षा नहीं करता। भाषा की तीन प्रमुख इकाइयों के आधार पर पाठ संसाधन को तीन स्तरों पर विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला है शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग। जब लिखित पाठ में स्वचालित संचालन संबंधी कार्य केवल शब्द स्तर तक किए जाते हैं, तो इस सीमित स्थिति को शब्द संसाधन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से वर्तनी परीक्षण, फॉन्ट डिजाइनिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इस तरह के काम आते हैं। दूसरा है वाक्य संसाधन, सेंटेंस प्रोसेसिंग। इसमें पाठ के अंतर्गत वाक्य स्तर तक मशीन द्वारा अभिज्ञान, स्वचालित संसाधन या संचालन की क्षमता होती है। टैगिंग, पदबंध चिन्हन और व्याकरणिक परीक्षण इस तरह के कार्य इसमें आते हैं। तीसरा है पाठ संसाधन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। इसमें मशीन के अंतर्गत पूरे पाठ को समझते हुए उसे संसाधित करने की क्षमता होती है। यह पाठ या वाचिक रूप से प्रोक्ति और अर्थ सभी को अपने अंदर समाहित करता है। मशीनी अनुवाद और कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य इसी स्तर के होते हैं। पाठ संसाधन के ये क्षेत्र या ये स्तर भिन्न भिन्न न होकर के समावेशी हैं। वाक्य स्तर में शब्द स्तर तक का और पाठ स्तर में शब्द और वाक्य दोनों स्तरों का समावेश होता है। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य सबसे बड़ी इकाई है, इस कारण सामान्यतः पारंपरिक रूप से वाक्य संसाधन को भी पाठ संसाधन के रूप में कहा जाता रहा है। किंतु वर्तमान में पाठ के स्तर पर कई बड़े कार्य हुए हैं, जैसे अनुवादेश, पूर्वादेश या संदर्भ अभिव्यक्तियाँ। इस तरह की रचनाओं के विश्लेषण में एक से अधिक वाक्यों में संबंध और संदर्भ देखने की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण अब पाठ स्तर का संसाधन वाक्य स्तर के संसाधन से अधिक व्यापक बनता जा रहा है। वाक संसाधन और पाठ संसाधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक संसाधन की केंद्रीय इकाई ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव है। इसलिए ध्वनि तरंगों के विश्लेषण और विवेचन से जुड़ी इकाइयां और प्रविधियां वाक संसाधन के अंतर्गत आ जाती हैं। पाठ लिखित सामग्री से संबद्ध है, किंतु इसमें केवल लिपि चिन्हों का विश्लेषण नहीं आता, बल्कि शाब्दिक और वाक्यात्मक गठन संबंधी विश्लेषण भी इसी में आता है। ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करके पदबंध और रूपिम जैसी इकाइयां
नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए इस प्रकार का विवेचन और विश्लेषण पाठ संसाधन का अंग होता है। संगणनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा संसाधन संबंधी कार्य दो विधियों से किया जाता है, नियम आधारित और कार्पस आधारित। इन्हें प्राकृतिक भाषा संसाधन के दो उपागम कहा गया है। अगर इन्हें कुछ थोड़े थोड़े शब्दों में देखें तो नियम आधारित उपागम भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित होता है। इसमें नियम से तात्पर्य भाषा वैज्ञानिक नियमों से है। इसमें भाषिक इकाइयों के संग्रह के रूप में केंद्रीय घटक शब्दकोश होता है। इसके बाद रूप वैज्ञानिक, पदबंधीय और वाक्य स्तर के नियम तार्किक रूप से दिए जाते हैं। उनके आधार पर ही जो कंप्यूटर को इनपुट मिलता है उस पर कंप्यूटर काम करता है। इसे हम एक चित्र के रूप में देखेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मूल इकाई के रूप में शब्दकोश है। इससे नियम जुड़े हुए हैं, जो नियम शब्द रचना, पदबंध रचना और वाक्य रचना से संबंधित हैं। इन्हीं के आधार पर मशीन के इंटरफेस यानी अंतरापृष्ठ में जब इनपुट मिलता है तो संसाधन कार्य करके आउटपुट दिया जाता है। इसलिए इसमें शब्दकोश प्लस नियम विधि का प्रयोग हुआ है। कार्पस आधारित उपागम। इस उपागम में कार्पस मूल भाषा वैज्ञानिक स्रोत होता है। कार्पस किसी भाषा की वाचिक या लिखित अथवा दोनों प्रकार की सामग्री का एक ऐसा विशाल संग्रह है जो प्रातिनिधिक और मशीन पठनीय होता है। इसमें भाषा व्यवहार के सभी क्षेत्रों से पाठों का संग्रह किया जाता है। यह सामग्री इतनी विशाल और वैविध्यपूर्ण होती है कि इसमें भाषा की लगभग सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं। अब इस सामग्री पर सांख्यिकीय नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मशीन इनपुट को संसाधित करके आउटपुट प्रदान करती है। इसी कारण भाषा संसाधन के इस उपागम को सांख्यिकीय उपागम भी कहा गया है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से इस तरह से देखेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मूल स्रोत के रूप में कार्पस है। इसके बाद मशीन में सांख्यिकीय नियम दिए गए हैं और इन दोनों को मिला करके अंतरापृष्ठ में जब इनपुट मिलता है तो मशीन द्वारा संसाधन किया जाता है और आउटपुट प्रदान किया जाता है। कार्पस आधारित उपागम के माध्यम से किए जाने वाले भाषा संसाधन को कार्पस आधारित भाषा संसाधन कहते हैं। मशीनी संसाधन के लिए केवल विशाल डेटा संग्रह के रूप में कार्पस बहुत उपयोगी नहीं होते, बल्कि उनमें शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार की भाषिक अर्थात स्वन संबंधी और व्याकरण संबंधी और अर्थ संबंधी सूचनाएं भी देनी पड़ती हैं। उनके शब्दवर्ग संबंधी टैग की सूचना प्रदान करना इनमें से पहला आधारभूत कार्य है, जिसे कार्पस की शब्दभेद टैगिंग या संक्षेप में कार्पस टैगिंग कहते हैं। टैग संबंधी सूचना या किसी भी प्रकार की सूचनाओं को शब्द, वाक्य या पाठ के साथ जोड़ना एनोटेशन है। जोड़ी जाने वाली सूचना की प्रकृति और उसके भाषिक स्वरूप के आधार पर एनोटेशन भी विविध प्रकार के होते हैं, जैसे रूप वैज्ञानिक एनोटेशन, वाक्यात्मक एनोटेशन, आर्थी एनोटेशन और शैली संबंधी एनोटेशन। सामान्य कार्पस की जगह एनोटेटेड कार्पस ही भाषा संसाधन की दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं। एक भाषा के पाठ का दूसरी भाषा के पाठ में मशीन के माध्यम से किया जाने वाला रूपांतरण मशीनी अनुवाद है। इसमें मशीन का तात्पर्य मुख्य रूप से संगणक से है। मशीनी अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के ही वाक्यात्मक नियमों और शब्दकोश की आवश्यकता होती है। वाक्यात्मक नियमों को एल्गोरिदमों एवं तार्किक अभिव्यक्तियों द्वारा और शब्दकोश को डेटाबेस के रूप में मशीन में
संग्रहित करते हुए मशीनी अनुवाद प्रणालियों के विकास का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से विकसित प्रणालियों को नियम आधारित मशीनी अनुवाद प्रणाली कहते हैं। इन प्रणालियों द्वारा पूर्णतः स्वचलित या आंशिक स्वचलित रूप से मशीनी अनुवाद किया जाता है। मशीनी अनुवाद प्रणालियों के विकास की दूसरी विधि सांख्यिकी या कार्पस आधारित विधि भी है। प्रकाशिक अक्षर संज्ञान किसी मुद्रित, टंकित या हस्तलिखित पाठ के स्कैन किए हुए चित्र को मशीन पठनीय पाठ में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वप्रथम किसी पाठ जैसे पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र आदि के पृष्ठ को स्कैनर की सहायता से स्कैन किया जाता है। इसके पश्चात स्कैन किए हुए पाठ चित्र के प्रत्येक वर्ण को मशीनी पाठ के वर्ण की तरह चिन्हित किया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे परिवर्तित और परिवर्धित किया जा सके। पाठ से वाक प्रणालियों द्वारा पाठ के रूप में दिए गए इनपुट को उच्चरित या वाचिक रूप में बदल दिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं: पाठ विश्लेषण, लेखिम से स्वनिम रूपांतरण और वाक संश्लेषण। किंतु इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने में पाठ से वाक प्रणाली कई चरणों से होकर गुजरती है। पाठ विश्लेषण और वाक संश्लेषण की दृष्टि से मुख्य रूप से चार स्तरों पर इन प्रणालियों का विकास किया जाता है। पहला स्तर है अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है पदबंध और चौथा है वाक्य। चारों ही स्तरों पर विकसित की गई प्रणालियों की अपनी उपयोगिता और सीमा होती है। किसी भी पाठ से वाक प्रणाली की गुणवत्ता और उपयोगिता के मापन के तीन आधार बताए गए हैं: सृजनात्मकता, शुद्धता और सहजता या स्वाभाविकता। वाक से पाठ में बोलकर या वाचिक भाषा में इनपुट दिया जाता है, जिसका प्रणाली द्वारा संसाधन किया जाता है और उसे लिखित पाठ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः चार प्रक्रियाएं होती हैं: वाक संज्ञान, वाक विश्लेषण, वाक से पाठ रूपांतरण और पाठ संश्लेषण। भाषा के वाचिक रूप का किसी भी स्वचलित प्रणाली द्वारा ठीक ठीक संज्ञान और विश्लेषण करना बहुत ही जटिल कार्य होता है, क्योंकि वाचिक भाषा का इनपुट ध्वनि तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, जिनके आयाम और आवृत्ति इस तरह की विशेषताओं का विश्लेषण करके स्वनिमों की पहचान करनी होती है। यह बहुत जटिल कार्य है। इसके अतिरिक्त शब्द और वाक्य के चिन्ह के लिए आवश्यक वास्तविक या संभावित विराम प्रायः प्राप्त नहीं होते। इसी कारण वाक से पाठ प्रणालियों के विकास कार्य को अत्यंत चुनौतीपूर्ण माना गया है। किसी डेटा संग्रह में संक्षिप्त सूचना के आधार पर केवल संबंधित सूचनाओं या कथनों को प्राप्त करना सूचना प्रत्यानयन है। इंटरनेट पर सूचनाओं का बहुत विशाल भंडार है, साथ ही इसमें रखी हुई सूचनाएं असंरचित या बिखरी हुई हैं, जो विश्व के किसी भी कोने में और किसी भी रूप में हो सकती हैं। सूचनाओं की इतनी विशाल मात्रा और असंरचित स्वरूप में से केवल उपयोगी सूचनाओं को खोज कर लाना बहुत कठिन काम है। यह काम खोज इंजनों यानी सर्च इंजनों द्वारा किया जाता है, जिनमें विविध प्रकार की सूचना पुनः प्राप्ति प्रणालियां लगी रहती हैं। किसी बड़े पाठ के मूल अर्थ को बनाए रखते हुए सीमित शब्दों में पुनः प्रस्तुतिकरण पाठ सारांशीकरण है। यह कार्य जब किसी संगणक प्रणाली द्वारा स्वचलित रूप से किया जाता है तो इसे स्वचलित पाठ सारांशीकरण कहते हैं। पाठ सारांश के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सारांश के रूप में निर्मित पाठ में मूल पाठ की सभी महत्वपूर्ण बातें आ जाएं। इसलिए पाठ सारांशक में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहचानने की क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी होता है। मुद्रित कोशों के निर्माण एवं अध्ययन विश्लेषण की
अपनी सीमा रही है। संगणकीय कोशों का निर्माण अंकीय रूप यानी डिजिटल फॉर्म में किया जाता है। एक बार अंकीय रूप में कोश का निर्माण हो जाने के पश्चात उसका प्रयोग करना और उसमें सुधार करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि संगणकीय कोशों में खोज करने के लिए, उनको क्रमानुसार ऑर्डर में करने के लिए, उनको मिटाने के लिए और सुधारने के लिए कई अलग प्रकार की सुविधाएं दी गई रहती हैं। इसका संबंध भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग से है। संगणक साधित भाषा अधिगम में शिक्षार्थियों के लिए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ निर्मित किए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक दिशात्मक व्यक्तिगत अधिगम के लिए होते हैं तथा द्विदिशात्मक, ये पाठ अंतर क्रियात्मक अधिगम के लिए होते हैं। एक दिशात्मक अधिगम में शिक्षार्थी संगणक से केवल सामग्री और निर्देश प्राप्त करता है, जबकि द्विदिशात्मक अधिगम में फीडबैक भी होता है और अंतर क्रिया के लिए भी सुविधा रहती है। कृत्रिम बुद्धि एक बहुत बड़ा अनुप्रयुक्त क्षेत्र है, जिसका एक भाग प्राकृतिक भाषा संसाधन है। यह एक बृहद ज्ञान क्षेत्र है, जिसमें मशीनों में तर्क करने, सोचने या विचार करने, कार्य करने तथा निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों को बुद्धिमान एजेंट भी कहा गया है, जिसे सरल शब्दों में रोबोट कहते हैं। इससे आप सभी परिचित होंगे, इसका नाम आपने सुन रखा होगा। इसी का विकास करना कृत्रिम बुद्धि का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए मनुष्य को मॉडल माना गया है। इसमें चित्र संसाधन, मोटर संचालन, हार्डवेयर डिजाइन और भाषा संसाधन, इस तरह के कई क्षेत्र मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। संगणनात्मक भाषा विज्ञान एक नवीन किंतु असीम संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। इससे दो प्रकार के संसाधन क्षेत्र निर्मित होते हैं, जिन्हें वाक संसाधन और पाठ संसाधन कहते हैं। भाषा संसाधन संबंधी कार्य नियम आधारित तथा कार्पस आधारित दोनों ही उपागमों से किया जाता है। भाषा संसाधन के मशीनी अनुवाद से लेकर कृत्रिम बुद्धि तक अनेक अनुप्रयोग क्षेत्र हैं।